गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अमृतसर। हमारा ऑटो आ गया, हम अभी जा रहे हैं होटल पे अपने, बाकी वहां जाके देखते हैं। ये देखो हीरो का, देखो ये देखो, ये है बिल्कुल बीच बोर्ड पे। हां लगाओ लगाओ भैया, ये हनी सिंगर। वाह 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 वाह, हां वेरी गुड। आज साहब हेलो, वेलकम टू अमृतसर। आज का आपका टूरिस्ट गाइड मैं। सुबह सुबह हम बैठे हैं रिक्शे पे और सत्यम का फर्स्ट टाइम है। सर लोग पीछे रह गए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रजेश और अभी हम हैं अमृतसर में और हम जाने वाले हैं गोल्डन टेंपल। ना आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो आज हम गोल्डन टेंपल देखेंगे और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ भी जाएंगे, बाघा बॉर्डर वगैरह भी जाएंगे, तो फुल मज़े करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेन गेट। अभी हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले शूज़ वगैरह रखेंगे और अपना बैग भी उधर रखेंगे लॉकर रूम में, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे। हम लोग बहुत ही ऊपर आए हैं, काफी हाइट पे आ गए हैं और यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है ना, पूरा अमृतसर ही दिख रहा है यार, इतना गजब का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही मजेदार लग रहा है। और आपको दिखाता हूँ यहाँ का नजारा। आपका नाम? नवजोत सिंह। क्या बात, परमिंदर सिंह, क्या बात है। ये सारे भाई लोग अपने, आप लोग यहीं से हैं? अभी हम लोग यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं बाघा बॉर्डर के लिए और एक दो चीज़ें और भी हम देखने वाले हैं, तो अभी वहाँ जाएंगे। एक ऑटो वाले का हमने बुक कर रखा है, तो ऑटो वाला आने वाला है और अभी सब खा रहे हैं कुल्फी, दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ तो पूरा सा मार्केट गजब ही हो रहा है, अलग ही भीड़ भाड़ हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो कैसा है सत्यम, मुन्नू कैसा लग रहा है, कुल्फी कैसी है? यहाँ पे खाने पीने की चीजें तो बहुत सारी दिख रही हैं यार। अभी एक्सपीरियंस हो रहा है वैसे एकदम, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, बाप रे खतरनाक ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेले में घूम रहे होंगे हम, और बहुत ज्यादा भीड़ है यार। दिखाता हूँ मैं आपको। स्टैचू देखा? हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो कितना गजब गजब बिल्डिंग बना हुआ है। ये सामने म्यूजियम है बता रहे हैं, ये म्यूजियम है। ओके वाह, और सामने वो देखो कितना गजब लग रहा है, स्कल्पचर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इनको देखो धूप में बैठ के मजे ले रहे हैं धूप में। यहाँ पे माहौल बड़ा खूबसूरत है यार वैसे तो। ये बहुत ज्यादा मेहनत करके भाई साहब ऑटो मिली हमें, इतना पैदल चला दिया भाई ने हमें, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। आप कहाँ जा रहे हो? हम सबसे पहले तो सबसे पहले अपन दुर्गियाना मंदिर जा रहे हैं। यहाँ का माहौल तो गजब ही है यार। वो पुलिस वाला क्या कह रहा था? पुलिस वाले ने भैया आपको लेने गया, इस चक्कर में मेरे अगले टायर की हवा निकाल गया वो मेरे को। अरे यार गाइस, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे लस्सी पीने के लिए और यहाँ पे सामने हमारी शॉप है ये ज्ञानी लस्सी, क्या बात है। तो बता रहे हैं यहाँ पे बहुत फेमस है ज्ञानी लस्सी वाले करके, और यहाँ पे दो शॉप हैं, दोनों आसपास ही हैं। और ये देखो यहाँ पे बनाई जा रही हैं लस्सियाँ। और ये रहे हमारे भूपेंद्र सर,
पांच मिठी और एक जो। और आपका नाम क्या है भाई? विक्की। तो अभी सब हम पी रहे हैं लस्सियाँ, क्या बात है। बाप रे, गर्मा गर्म धूप के बीच में ठंडी ठंडी लस्सियाँ पीते हुए मजेदार है। वैसे बहुत ज्यादा मलाई मलाई हो रहा है यार। अभी हम आए हैं दुर्गाना टेम्पल और यहाँ पे मतलब अलग ही डिजाइन बना रखा है ना, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है कोई। और लस्सी पी के तो ऐसा खतरनाक हो गया ना, सब नशे 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 में आ गए, सबका एक्सपीरियंस ऐसा हो गया। चलो जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। तो गाइस हम अंदर गए हैं, मुझे लग रहा था नाम सुन के कि दुर्गा मंदिर, मतलब मुझे लगा दुर्गा माता का मंदिर होगा, बट ये कृष्ण और राधा का मंदिर था। मंदिर अंदर से बहुत खूबसूरत है वैसे तो मंदिर के चारों तरफ कुंड है, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसमें फाउंटेन चल रहे, वो मज़ेदार लग रहा है। और अभी हम यहाँ से आगे जाएंगे, देखते हैं फोर्ट जाते हैं कहाँ जाते हैं, वो आगे चल के बताता हूँ मैं। बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, हमारे ऑटो वाले और एक ऑटो वाले में मार हो गया, दोनों मारपीट कर रहे थे और हमें बीच रोड में छोड़ दिया ऑटो में बैठे हुए। भाई साहब ये खतरनाक। बीच में रोड में कुछ आया था यार, अरे चलो हो गया, चल आया, छोड़ो रिकॉर्ड कर रखो, मैं सब सब रिकॉर्ड करो, चलो यहाँ पे भयंकर ही मारपीट कर दे रहे भाई, एकदम मुक्का मुक्की चल रहा है यहाँ पे। आ जाओ चलो चलो, ये बुड्ढा है पहले हाथ इसी ने छोड़ा है। चल चल समाप्त हो गया है, अभी हम वापस जा रहे हैं। चलो यार कट मार के ना पलटा देना ही हुणे ने ਸਾਡਾ। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੈਨਲ ਦੱਸੋ, ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਲਾ ਯਾਤਰਾ। ਹੈ ਕਲਾ ਯਾਤਰਾ, ਕਲਾ ਯਾਤਰਾ। तो गाइस अभी अपन लोग थोड़ा ही दूर रह गया, बाघा बॉर्डर पहुंचने ही वाले हैं और अभी हम उस रुके हैं एक ढाबे पे और हम यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ा, उसके बाद आगे जाएंगे। बाकी सभी आ ही गए हैं। मैडम क्या बात, मुझे ठंडा ठंडा जूस चाहिए। क्या बात है, शायर हो गई यार, अमृतसर आके चढ़ गई है इसको। केवल यही नहीं बोलना होता है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है भैया, दोबारा इधर इस टाइम में मत आना। खतरनाक गर्मी का एक्सपीरियंस हो रहा है हमें वैसे, और अभी हम बैठे हैं ढाबे के अंदर खाने के लिए। अभी ऐसे चार पाँच रुपये मिली मन तो हो रहा है, बस यही हम सो जाते हैं, सीधे शाम को यहाँ से वापस जाते हैं। 1 hour later यहाँ हम रुके थे खाने के लिए और सर से एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा। बहुत ही भाई याद रहा, इस ढाबे का नाम नोट कर लो, कभी मत आना, सर्विस बहुत खराब है भाई साहब। कुछ नहीं होता, बिठा के आधे घंटे बैठे रहे हम और उसके बाद कुछ नहीं मिला। अभी हम वापस जा रहे हैं, हमने बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली है और हम निकल रहे, पता चल रहा हम इनके चक्कर में रहते लेट भी हो जाएंगे। देखो यहाँ जो ये गांव दिख रहा है ना सामने, इस गांव का नाम है अटारी, इंडिया का लास्ट गांव, और इसके बाद अब पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। और सामने उधर दिख रहा है फ्लैग, यहाँ से अभी फ्लैग दिखने लग गए हैं और बस पहुँचने वाले अपन, और इंडिया के लास्ट विलेज को देख रहे हैं हम सामने हमारे में, मज़ेदार खेत खेत वैसे दिख रहे, ये एरिया ये। यहाँ पे देखो लाहौर यहाँ से 24 किलोमीटर है और इस्लामाबाद 322 किलोमीटर दिखा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा जो है वो 2 किलोमीटर है और यहाँ से दोनों देश के फ्लैग दिख रहे हैं उधर।
ओह माय गॉड, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अटारी बॉर्डर और उधर सामने है, अभी जाना वहाँ रोड से जाना पड़ेगा थोड़ा आगे। मज़ेदार लग रहा है वैसे यहाँ पे आके, एकदम अलग सा ही फील हो रहा है यार। वहाँ पर पूरा सिक्योरिटी भी काफ़ी है, ऐसे बॉर्डर पे आके वो अलग ही फील होने लग गया यार। यहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है और यहाँ पे चेकिंग होगा, चेकिंग के बाद सभी अंदर जाएंगे। खतरनाक धूप है यार, एकदम बहुत ही खतरनाक धूप लग रहा है। हो तो सारी चेकिंग के बाद अपन अंदर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं अंदर। वैसे बाकी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ गोप्रो का एक एक्स्ट्रा बैटरी मैंने कैरी किया था, तो वहाँ पे चेकिंग के टाइम पे उन्होंने रोक दिया मुझे और वापस भेजा। फिर मैं लॉकर में जाके उसको रख के आया और लॉकर का चार्ज यहाँ पे 50 रुपये लगा। एक चाहे छोटी सी चीज़ रखेंगे चाहे बैग रखेंगे, 50 रुपये लॉकर का चार्ज है। और बाकी बढ़िया है, अब अंदर पहुँच गए हैं हम। दिखा दो मैं आपको, ये सामने देखो कैसा दिख रहा है ये। ओए होए, मुझे फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बॉर्डर पे आया हूँ और सामने हमारे दिख रहा है ऐसे, इतना मज़ेदार लग रहा है ना, ये क्या ही बताओ। और वो देखो सामने, ओहो हो क्या बात है, और उधर सामने पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है। वापस जा रहे हैं वैसे, अब सीधे हम पहले रूम पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही सोचेंगे क्या करना है कैसे करना है। बाकी आज का दिन बहुत ही अल्टीमेट रहा है, देखने के बाद पूरा मेहनत सफल हो गया, नहीं पूरा दिन भर हालत खराब हो गई थी लेकिन हमने बॉर्डर पे डांस किया। अरे बहुत मजा आया यार, तो ऐसा जोश था ना अंदर, क्या ही बताया, बस मजा आ गया। सो गाइस, ये था हमारा अमृतसर का वीडियो और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत मज़ा आया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जान रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।